आज का हमारा टॉपिक है द सैंडविच थ्योरम। आज की इस वीडियो में हम सैंडविच थ्योरम के मुताबिक कुछ पढ़ते हैं, तो चले शुरू करते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस। एफ जी और एच कोई से तीन फंक्शंस हैं, सच डेट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। If limit x approaches to c, f of x is equal to L, and limit x approaches to c, h of x is equal to L, then limit x approaches to c, g of x is also equal to L. अगर f और h की लिमिट किसी नंबर L के बराबर हो, तो g की लिमिट भी उसी नंबर L के ही बराबर होगी। इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। h of x कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, जबकि f of x कोई दूसरा फंक्शन है तो इसका ग्राफ हम कुछ यूं बनाएंगे। क्लियरली आप देख सकते हैं कि f of x h of x से छोटा है। अब g of x कोई थर्ड फंक्शन लेते हैं जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो g of x f of x से बड़ा है और h of x से छोटा है। अगर इन तीनों फंक्शंस की लिमिट निकाली जाए तो ये तीनों फंक्शन एक पॉइंट C पर मीट कर रहे हैं जिसे हम L का नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू C f of x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू C g of x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू C h of x। अब इससे मुतालिक एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को हल करते हैं। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन then limit theta approaches to 0 sin theta over theta is equal to 1। proof, इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करना होंगी। थीटा को एक सर्कल का पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल लेंगे और सर्कल का रेडियस 1 होगा। OAB सेक्टर ऑफ सर्कल को जाहिर कर रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं OA is equal to OB is equal to 1 क्योंकि ये यूनिट सर्कल के रेडियस हैं। अब OB साइड को पॉइंट D तक बढ़ाएंगे ताकि AD साइड OA के परपेंडिकुलर आ जाए। एक परपेंडिकुलर BC साइड OA पर गिराएंगे, A को B से मिलाएंगे जिससे हमारे पास इस तरह की फिगर हासिल हो जाएगी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। ट्रायंगल OCB में देखें sin theta is equal to BC over OB, जबकि साइड OB 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास sin theta BC के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम ट्रायंगल OAD में देखते हैं tan theta is equal to AD over OA, जबकि OA 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास tan theta AD के इक्वल आ जाएगा। Area of triangle OAB is equal to 1 over 2 OA multiplied by BC. OA 1 के बराबर होता है और BC जैसा कि हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं sin theta के इक्वल होता है। इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास 1 over 2 sin theta आ जाएगा। Next हम area of sector OAB find करेंगे। Area of sector का formula 1 over 2 r square theta होता है, जबकि r 1 के बराबर है तो r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमारे पास 1 over 2 theta आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD जो के बराबर है 1 over 2 OA into AD। जैसा कि हम जानते हैं OA बराबर है 1 के और AD tan theta के इक्वल है जो कि हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास 1 over 2 tan theta हासिल हो जाएगा। अब हम अपने डायग्राम की तरफ देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर OAB से, जो कि छोटा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD से। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमारे पास ये स्टेप हासिल हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि sin theta एक पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको 1 over 2 sin theta से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास ये स्टेप हासिल हो जाएगा।
दी गई वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे, जिससे हमारे पास ये स्टेप हासिल हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन sin थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज लेस देन sin थीटा ओवर थीटा इज लेस देन 1। जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो तो cos थीटा 1 को अप्रोच करेगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास ये स्टेप हासिल होगा, 1 इज लेस देन sin थीटा ओवर थीटा व्हिच इज लेस देन 1। So sin theta over theta is sandwiched between 1 and a quantity approaching 1 itself. So by using this sandwich theorem, it also must approach to 1. Therefore, limit theta approaches to 0, sin theta over theta is equal to 1. और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।